भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ा सवाल उठाया है। सवाल ये कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2 साल से लगातार जारी इस युद्ध के मसले को सुलझाने में पूरी तरह निष्प्रभावी क्यों रहा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 24 फरवरी 2022 को शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ये सवाल किया। कंबोज ने कहा, संघर्ष 2 साल से लगातार जारी है, ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को थोड़ा रुककर खुद से 2 अहम सवाल पूछने चाहिए। क्या हम किसी संभावित स्वीकार्य समाधान के करीब हैं? और अगर नहीं तो ऐसा क्यों है कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, खास तौर से इसके प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का जिम्मा दिया गया है, वो इस जारी संघर्ष के समाधान में पूरी तरह से निष्प्रभावी क्यों रहा है। महासभा ने हाल ही में यूक्रेन के अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थिति पर चर्चा की थी। कंबोज ने सोमवार को इस चर्चा के फिर से शुरू होने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि बहुपक्षवाद को प्रभावी बनाने के लिए पुरानी संरचनाओं में सुधार और उनके पुनर्निर्माण की जरूरत है, नहीं तो उनकी विश्वसनीयता हमेशा कम होती रहेगी और जब तक हम इस प्रणालीगत दोष को दूर नहीं कर लेते हम निष्प्रभावी बने रहेंगे। कंबोज ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को दोहराया कि ये युद्ध का युग नहीं है। मोदी ने सितंबर 2022 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। कंबोज ने महासभा में कहा कि भारत यूक्रेन में स्थिति को लेकर लगातार चिंतित है। उन्होंने कहा, हमने लगातार ये रुख अपनाया है कि कोई भी समाधान मानव जीवन की कीमत पर कभी नहीं निकल सकता। दुश्मनी और हिंसा का बढ़ना किसी के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने शुरू से ही आग्रह किया है कि दुश्मनी को जल्द खत्म करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर तत्काल वापसी के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध में किसी का पक्ष नहीं लिया है। इस बीच कंबोज ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण जन केंद्रित रहेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत यूक्रेन को मानवीय सहायता और आर्थिक संकट का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ में अपने कुछ पड़ोसियों को आर्थिक सहायता दे रहा है। ग्लोबल साउथ में अल्प विकसित और विकासशील देश आते हैं जिनमें से ज्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं।